ऊंचा करो, थोड़ा ऊंचा करो इसको। हाँ पहले एक मिनट। हाँ जी बताइएगा। पहले भेड़े 2.5 किलो का 3 किलो बच्चे पैदा करे करते, अब कहना है ये बच्चे आओ हैं जो ये तो 0.5 किलो का बच्चा होगा, बाकी और बच्चे आए हैं ये सब 1.5 किलो के बच्चे, 10 दिन के बच्चे, 10 दिन का बच्चा हो जाए अच्छा बड़ा तो समस्या तो काफ़ी रह सकती है। और जो एक थी बकरी उसका 3 महीने में 4 महीने में गर्भ छीन होने लगा, तो एक बार 2 बार ब्याई हुआ ठीक ब्याई अच्छे बच्चे ले आई बड़े, एक बार तो बच्चे बगा दिए, वो बच्चे होंगे कम से कम 20 किलो के वो बगा दिए, फिर लगी फिर ये भी नहीं का बगा दिए, वो छलकी छलकी बोलते हैं या गर्भ छीन हो गया, तो 3 बार वो गर्भ छीन हुआ, तो ये समस्या रही है। सो क्या कारण है इस समस्या के पीछे, क्या कारण मानते हैं आप? ये कारण तो हमें तो जी नुहा अधूरी ब्यागी ये कारण भी सुन लेते हैं, और अभी हमने बीमारी का बेरा को नहीं है क्यों पैदा हूँ, बाकी हम दोनों सोचते हैं अधूरी ब्यागी होगी। और ये कब से आ रही समस्या? ये समस्या खास करके तो जी 1.5 साल से या साल से समस्या ज़्यादा आ रही। वैसे पहले कौन थी जी? पहले कितने साल से पाल रहे हो आप? मैं कम से कम जी 7-8 साल हो गए। तो जब से ये बीटी कॉटन आई है उसके बाद ये समस्या ज़्यादा हुई है क्या? हाँ, मानते हैं ये जब ज़्यादा हुई नहीं, पहले भी चढ़ रही थी बड़ी है। बता दीजिए खोल के अब समस्या ज़्यादा आ रही है। आपने ये बताना है कि जब से बीटी कॉटन आई है तब से इस तरह की समस्या जो है वो ज़्यादा आती है, जब ये बकरियाँ जो है हमारी उसमें बकरियाँ या भेड़ें जब उसमें चर के आती हैं तो क्या होता है वो बताओ? तो हमें तब ये ज़्यादा नुकसान होता है, और ये जब अगर तो या तो गर्भवती होती नहीं, गर्भ गिरा देती हैं, अगर नहीं गिराती तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े कमज़ोर पैदा होते हैं। ठीक है, ये बताना आपने जी। ये डीपी कॉटन आई ना जी, बीटी आई है जब से ये कहना है समस्या आई है, 1.5 साल से 2 साल से समस्या है। पहले बच्चा अच्छा लिया करती, बिल्कुल छोटे बच्चे आवा हैं और जमाए छोटे बच्चे आवा हैं, तो ये यो 3 दिन का बच्चा है, ये बिल्कुल छोटा, ये 10 दिन के बच्चे हैं, तो समस्या बड़ी आ रही डॉक्टर साहब। ये तो ये भी समस्या तो कौन बेरा हम तो सोच लें चलो भैया दूरी बह गई होगी, किसी पेड़ ने मार दी होगी, टक्कर खाना हो गया होगा, तो ये है बीमारी। ये कई बच्चे तो ऐसे बल्कि जैसे पैर भी कौन होते और नमूना हाँ हो जाए इस तरीके के बगाव में जल्दी जल्दी हो जाते हैं। हाँ मतलब वो थोड़ा ही शक्ल सी बना है, उसकी शक्ल सी बना है, और फिर वो बच्चा का कोई पैर नहीं होते कि जितने पैर होते हैं ये छत्ती बड़ी हो जाए। वो तो जल्दी पैदा होते हैं ना उसमें? हाँ, होता होगा या टाइम पे पैदा होते हैं? टाइम पर पैदा नहीं हो जी, और टाइम पर बीच में। अच्छा बीच में हैं। ठीक है, ये है।